तुम यहाँ? जी, ये कौन है? या तुम्हें इतनी रात को यहाँ ऑफिस में नहीं आना चाहिए था। मुस्कान, तुम जाओ, मैं कल बात करता हूँ तुमसे। ओके, बट ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। ये काम हो रहा है तुम्हारा ऑफिस में लेट नाइट तक? ये गुल खिला रहे हो तुम यहां बैठ के? रिया, सक्सेसफुल लोग ऐसे ही होते हैं, ये नॉर्मल है। इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें सक्सेसफुल बनाया किसने? मैंने। तुम यहां तक किसकी वजह से आए? मेरी वजह से? तुम तो कब का गिव अप करने वाले थे? तुम कैसे भूल सकते हो मैंने तुम्हारे लिए क्या-क्या किया है? तुमने रियली? सच में सब भूल गए हो क्या कि मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? ये लो कॉफी, तुम थक गए होगे ना? तुम अभी तक सोए नहीं, इतनी रात हो रखी है। तुम भी तो नहीं सोए हो? मैं तो सो जाऊंगा, मुझे ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी है, लेकिन हो ही नहीं रही। पूरा दिन निकल गया, आधी रात हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा, मुझे मेन पॉइंट नहीं मिल रहे जो मैं क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए लिखूं और ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाए। तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? जो हमारे top 5 सक्सेसफुल प्रोजेक्ट थे लास्ट ईयर के, उनको तुम सबसे पहले लिखो, और जो प्रोजेक्ट्स हमारे फेल्ड थे वो यहाँ पे लिखो नीचे, और वो फेल्ड किस रीजन की वजह से थे वो रीजंस यहाँ पे लिखो, और ये मेंशन भी करो कि उसके बाद जो हमारे प्रोजेक्ट्स हमने किए थे लास्ट ईयर में वो और ज़्यादा सक्सेसफुल हुए थे, क्योंकि हमने हमारे फेल्ड प्रोजेक्ट से सीख लिया था कि हमारी गलती क्या हुई है। तो उसमें जो हमने रेवेन्यू जनरेट किया था वो पिछले वालों से भी डबल था। इस प्रोजेक्ट पे काम मैं कर रहा हूँ और मेरे से ज्यादा नॉलेज तुम्हें है। सुबह से कहाँ थी तुम? अगर तुम्हें हेल्प चाहिए होती तो मांग लिया करो ना, अकेले क्या लगे हुए हो तुम इसमें? जल्दी खत्म करो और सोने आओ। थैंक यू। क्या हुआ, मुंह क्यों लटका हुआ है? या मुझे नहीं लगता कि मैं बिजनेस के लिए बनाऊं यार। कितना टाइम हो गया, सब कुछ अपना इस पे लगा चुका हूं, सक्सेस दिखाई नहीं दे रही यार। हुआ क्या है वो तो बता दो। ऑफिस का रेंट देना है, सैलरी देनी है, और भी बहुत सारे खर्चे हैं, और मेरे पास पैसा सब खत्म हो चुका है। जो मेरे पास था ना, मैंने सब कुछ इसमें लगा दिया है। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं, मुझे गिव अप ही करना पड़ेगा। पागल हुए हो क्या तुम? सोचना भी मत गिव अप करने की। तुम्हें बिजनेस का रूल नहीं पता है क्या? स्टार्टिंग में सभी कंपनीज को लॉस होता ही है, और फिर एक टाइम आता है जब नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, और उसके बाद तुम्हारा टाइम आता है जब तुम्हारी कंपनी को प्रॉफिट होता है। ये एक सिंपल सादा रूल है हर बिजनेस का, और कुछ लोग प्रॉफिट का टाइम आने से पहले गिव अप कर देते हैं, जो कि तुम करने जा रहे हो। यहाँ से आगे बढ़ने के लिए हमें पैसा चाहिए जो हमारे पास नहीं है। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। ये लो, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? मुझे पता था कि एक टाइम पे तुम्हारे पास फंड्स खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने अपनी गोल्ड की चेन बेच के रखी थी। अरे पागल हो गया? चेन तो दोबारा ले लेंगे, एक बार सब कुछ सेटल हो जाएगा, तुम्हारा बिजनेस अच्छे से चल जाएगा ना, तो गोल्ड की छोड़ो, तुमसे व्हाइट गोल्ड की चेन ले लूंगी। और तुम गिव अप करने की सोचना भी मत, भूलो मत, तुमने मुझे प्रॉमिस किया है कि तुम मुझे जी वैगन दिलाओगे। पर ब्लैक कलर की। थैंक हाँ ठीक है, डन। यू। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया और बदले में तुम मुझे ये दे रहे हो? धोखा! रिया, सक्सेसफुल होने के बाद है ना, लाइफ सेम नहीं रहती। और वैसे भी मैं तुम्हें देख देख के ना बोर हो चुका हूं। एक काम करते हैं, हमें ना अलग ही हो जाते हैं, क्योंकि अब तुम्हारी सोच और मेरी सोच बिल्कुल अलग हो चुकी है। ऐसा नहीं था कि तुम पहले अलग थे, अब तुम्हारा डर खत्म हो चुका है, तुम्हारा असली कैरेक्टर बाहर आ गया है। तुम्हें अलग होना है ना? ठीक है, अलग होते हैं, क्योंकि तुम्हारे जैसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है मैं अकेले रहूंगी।
रिया, ओ हाय संजू, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। बहुत सुंदर लग रही हो तुम, और काफी चेंज भी आ गया तुम्हारे अंदर। थैंक यू सो मच। तुम बताओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ हो गई होगी अब तो, कैसी है? वो मुझे छोड़ के चली गई। छोड़कर चली गई? बट व्हाई? तुम्हारे जाने के बाद मैं अपना सारा टाइम उसी के साथ बिताता था, उसे शॉपिंग कराना, ट्रिप्स पे लेके जाना। इन 3 सालों में मैंने बिजनेस पे ध्यान ही नहीं दिया, और मुझे इतना लॉस हो गया कि मेरा बिजनेस बंद हो गया। जो भी लोन था वो घर बेच के और गाड़ियां बेच के चुकाना पड़ा, और जब पैसा नहीं रहा तो वो भी मुझे छोड़ के चली गई। अब तुम्हें समझ आया कि वो तुम्हारे साथ थी क्यों? हाँ, समझ आ गया। और मुझे ये भी समझ आ गया कि मैं उस टाइम जो कुछ भी था ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से था। चलो, कम से कम रियलाइज तो हुआ। यह मैं कह रहा था कि क्या हम दोनों दोबारा शुरू कर सकते हैं? दोबारा? बट तुम तो मेरी शक्ल देख के बोर हो गए थे ना, फिर? प्लीज माफ कर दो ना मुझे। माफ तो मैं तुम्हें बहुत टाइम पहले ही कर चुकी हूँ संजू, पर दोबारा तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। अच्छा, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। ये तुम्हारी गाड़ी है? हाँ। पर कैसे? कैसे? पिछले 3 साल में ना, मैंने रात दिन एक करके मेहनत की है। जब मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर सकती हूँ, तुम्हारे बिजनेस को इतने ऊपर ले जाने में हेल्प कर सकती हूँ, तो अपने लिए क्यों नहीं? मैंने मेकअप सीखा क्योंकि मुझे मेकअप करना पसंद था, और आज इस शहर में मेरे खुद के 15 मेकअप स्टूडियो हैं, और मैं इंडिया की सबसे बड़ी मेकअप अकेडमी बनाने जा रही हूँ यहाँ पर ऐसे। और हाँ, तुम मुझे बोल रहे थे ना कि तुम मेरे साथ दोबारा आना चाहते हो। तुम मेरे साथ दोबारा इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम मेरे साथ इसलिए आना चाहते हो कि अब तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है और तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। बाय।